एक ग्रुप है जिसमें कि शायद कांग्रेस के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपस में। उसी की एक सदस्य हमारे पास में भी थोड़ी देर पहले आके गई है, जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन दी है। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. उनका ये कहना है कि ग्रुप के ही किसी सदस्य ने कुछ अश्लील वीडियो और फोटोज जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए, जिसकी कि वो सूचना हमें उपलब्ध करा रही है। तो एज पर लॉ हम उसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें जो भी कार्रवाई है, जो भी विधिक कार्रवाई है, वो सुनिश्चित की जाएगी। और देखिए, नाम तो एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद प्रकाश करके कुछ नाम है। वो सारी बातें तो एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो फिर मैं आपको सारी डिटेल बता पाऊँगा। रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज। वकील साहब के सामने जो जो ग्रुप के अश्लील वीडियो थे उनके क्लिपिंग, उनको मोबाइल खोल के बताई मैंने क्लिपिंग के, इस तरह की क्लिपिंग उसमें डाली गई है, वो 29 क्लिपिंग है, वीडियो क्लिपिंग। SP साहब ने वीडियो क्लिपिंग देखी है और उन्होंने कहा इसकी CD बना के मेरे को पेश कर देना थाने में, मुकदमा दर्ज होगा जहाँ पर। और उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें कर रहा था, इसमें आपकी महिलाएं या आपके साथ में कोई ग्रुप में, मैंने कहा सबसे संपर्क किया मैंने, बाकी कोई भी नहीं आना पसंद किया, मैं अकेली आ गई सर। सीधी सी कौन सा ग्रुप था, कौन ये कांग्रेस किंग ग्रुप है जिसमें ओल्ड राजस्थान के MP MLA प्रदेश अध्यक्ष के वो PA विकास जी, ये सारे जुड़े हुए, टोटल टोटल वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं इसमें। और टोटल वरिष्ठ नेता जुड़ने के बाद में वरिष्ठ नेता तो उस संपर्क भी किया मैंने, पर उन लोगों ने टालम टोल कर दिया, कोई भी मेरे साथ में आने की कोशिश नहीं की। और ये मामला 17 तारीख को सचिन पायलट जी के इंदिरा गांधी अनावरण के टाइम पर, इधर तो सचिन पायलट जी का आना हुआ और इधर उसके ग्रुप में डालना हुआ, 1/25 से 1/27 तक उसने ये वीडियो क्लिपिंग डाली है। प्रकाश गांधिया, प्रकाश गदिया कौन है ये? नसीराबाद के हैं वो, ये पांडेचेरी के राज्यपाल थे गोविंद सिंह जी गुर्जर, उनके PA भी रह चुके हैं ये। को पद पहले इनके पास में पद था, देहात के, देहात का पद था, इनके पास में कांग्रेसी हैं और पायलट साहब के चुनाव के टाइम पे इन्होंने यहाँ का कमान संभाल रखी थी प्रकाश गदिया ने। और थाने में मुकदमा दर्ज कराएंगे, रामगंज थाने में करेंगे। आज हम एक बहुत ही गंभीर तरह का प्रकरण SP साहब को हमने उसमें अर्जी दी है, हमारी शिकायत याचिका दी है, उसमें कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस का एक ग्रुप है, कांग्रेस किंग ग्रुप, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके अंदर लगभग सारे वरिष्ठ नेता, MP MLA अजमेर संभाग के सारे पदाधिकारी सारे जुड़े हुए हैं। उसमें उस ग्रुप के जो एडमिन है वो है सुरेश चंद जी सोनी, और इसमें एक प्रकाश जी गदिया नाम के मेंबर हैं जो गवर्नर रह चुके हैं गुजर साहब पांडिचेरी के, उनके PA रह चुके हैं और वो इतने सीनियर है, 75 साल उनकी उम्र है और इतना सीनियर होने के बाद भी उनकी इतनी गंदी हरकत करी है उन्होंने, और इतने सीनियर होने के कारण से कोई प्रशासन, कोई राज्य सरकार उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये 2-3 जगह थाने में गए, वहाँ थाने वालों ने इनको बिल्कुल से नकारा कर दिया कि हम आपकी कोई प्रकरण दर्ज नहीं करेंगे। इन्होंने अपने जो सीनियर है, कांग्रेसी जो नेता है और पदाधिकारी है, उनको शिकायत करी तो उन लोगों ने भी इस बारे में इनको और दबाया, बोले इतने सीनियर है आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप इस बात को यहीं दबा दो, जो हुआ उसे ख़त्म करो। आज किसको दिया? आज हमने SP साहब को दिया, और इसमें ऐसा है कि इतने अश्लील वीडियो भेजे हैं इन्होंने, 28-29 अश्लील वीडियो भेजे हैं जिसके अंदर इतने सारे महिलाएं जुड़ी हुई है, सीनियर कांग्रेसी नेता जुड़े हुए हैं, पायलट साहब के PA तक जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, और ऐसे अश्लील वीडियो भेजे हैं कि उसमें इतनी सारी महिलाएं हैं, उन सब पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया उनके मान सम्मान पे। आज माताएं बहन हैं जो भी अपने घर की हैं, उनके फ़ोन सबके खुले रहते हैं, उनके बच्चे बड़े सब देखते हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है, इतने सारे गंदे क्लिप उनके फ़ोन में आ चुके हैं कि अपनी जो बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनसे नजरें नहीं मिला पा रही है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है।